नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको मलेरिया के सिम्टम्स कैसे होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएँ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मलेरिया एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में मस्कीटो बाइट यानी कि मच्छरों की वजह से फैलता है। ज्यादातर मलेरिया ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट में देखा जाता है। मलेरिया का इन्फेक्शन प्लास्मोडियम नाम की एक फैमिली की स्पीशीज की वजह से होता है। कॉमनली 5 टाइप की स्पीशीज आइडेंटिफाई की गई है जिसकी वजह से मलेरिया होता है, नेमली प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लास्मोडियम वाइवैक्स, प्लास्मोडियम ओवाले, प्लास्मोडियम मलेरियाई और न्यूली फाउंड प्लास्मोडियम नोलेसी। इन्फेक्टेड मस्कीटो के एक्सपोजर के बाद सिम्टम्स, मलेरिया के सिम्टम्स 4 हफ्ते बाद दिखाई देने लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये सिम्टम्स 7 दिन में भी दिखाई देते हैं, यानी कि इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट होने के 7 दिन के अंदर अंदर भी सिम्टम्स किसी लोगों में दिखाई देने लगते हैं। एट द सेम टाइम कुछ लोगों में सिम्टम्स इन्फेक्शन के 1 साल तक भी नहीं दिखाई देते। उतने समय तक ये पैरासाइट लिवर में डोरमेंट रहता है। जब ये पैरासाइट लिवर में से खून में उतर आए और RBCs यानी कि लाल पेशी को टारगेट करे, लाल पेशी को इन्फेक्ट करे, तब उस इंसान में मलेरिया के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। डॉक्टर्स मलेरिया के सिम्टम्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहली कैटेगरी होती है अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। अगर किसी को ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन के सिम्टम्स या ज्यादा वाइटल ऑर्गन्स के सिम्टम्स नजर ना आ रहे हो तो उन्हें अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया ऐसे डायग्नोस किया जा सकता है। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के सिम्टम्स यूजुअली 6 से 10 घंटे तक रहते हैं और हर 2-3 दिन के बाद रिपीट होते हैं, लेकिन हर एक स्पीशीज का फ्रीक्वेंसी अलग अलग और वेरी हो सकता है। कुछ स्पीशीज में बुखार और मलेरिया के सिम्टम्स हर 2 दिन आते हैं तो कुछ स्पीशीज में हर 3 या 4 दिन आते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये सीवियर मलेरिया का रूप भी ले सकता है। ज्यादातर अगर किसी इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज इंसान में या किसी बहुत एजेड इंसान में मलेरिया का इन्फेक्शन हो जाए तो उन लोगों में मलेरिया सीवियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मलेरिया के सिम्टम्स एक टिपिकल फ्लू के सिम्टम्स से बहुत मिलते जुलते होते हैं। मलेरिया का फीवर कोल्ड, हीट और स्वेट की साइकिल को रेगुलरली फॉलो करता है। सबसे पहले एक इन्फेक्टेड इंसान को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, ठंड के दौरान बहुत शिवरिंग होती है, फिर बुखार चढ़ जाता है। बुखार चढ़ने के बाद इंसान को बहुत ज्यादा पसीना छूटने लगता है और फिर बुखार धीरे धीरे करके घटने लगता है। बुखार उतरने के बाद भी उस इंसान में बहुत ज्यादा थकान और वीकनेस हो सकती है। कुछ लोगों में बुखार के साथ ही साथ वॉमिटिंग और हेडेक भी हो सकता है। इन्फेक्शन अगर बहुत ज्यादा हो, पैरासाइट का लोड अगर बहुत ज्यादा हो तो स्प्लीन भी सूज सकता है, यानी कि लेफ्ट साइड में थोड़ी सी स्वेलिंग और थोड़ा दर्द हो सकता है। यूजुअली स्प्लीन की स्वेलिंग अपने आप धीरे धीरे करके कम हो जाती है। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया अगर छोटे बच्चों को इन्फेक्ट हो जाए तो छोटे बच्चों में कई बार सीजर्स यानी कि एपिलेप्सी भी दिखाई देती है। दूसरी कैटेगरी होती है सीवियर मलेरिया। सीवियर मलेरिया तब माना जाता है जब किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन के सिम्टम्स नजर आने लगे। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की तरह ही सीवियर मलेरिया में भी बुखार आता है, लेकिन कई बार ये बुखार बहुत तेज होता है। बुखार के साथ एपिलेप्सी यानी कि सीजर्स बहुत ज्यादा आ सकते हैं। सीवियर मलेरिया में सीजर्स कई बार और फ्रीक्वेंटली आ सकते हैं।
कुछ लोगों में सीवियर मलेरिया में कंफ्यूजन भी लग सकता है। सीवियर मलेरिया के दौरान एक इंसान बार बार प्रोन पोजीशन लेने की इच्छा रखते हैं, यानी कि पेट के बल सोना कंफर्टेबल लगता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जॉन्डिस की तरह सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, स्किन पीली हो सकती है, आंखें पीली हो सकती है। अगर सीवियर मलेरिया प्रॉम्प्टली ट्रीट ना किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए अगर किसी की मलेरिया सीवियर टाइप की क्लासिफाई हो जाए तो उन्हें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको मलेरिया की डायग्नोसिस कैसे की जाती है और मलेरिया की स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल क्या है इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो हमारा डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया और ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया का वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।